नमस्ते मैम। हाँ, तो आप लोग एक एक करके पूछना शुरू करिए, किसको क्या पूछना था। मैम एक चीज बताइए मुझे। जी मैम जैसे यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, तो हाँ मैडम जी, इसका हम ड्राइंग एंड पेंटिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स का, जो SPSS है जो। नहीं, SPSS तभी आप यूज कर पाओगे जब आप न्यूमेरिकल डेटा ले रहे होगे। हाँ मैम। अगर आपका न्यूमेरिकल, यानी आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के रिसर्च हमने बताए थे, तो जब आप क्वांटिटेटिव डेटा लेते हो तो आप यूज कर सकते हो जी मैम। SPSS को। और अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा नहीं ले रहे हो तो आप SPSS का यूज नहीं कर सकते उसमें। अच्छा मैम एक चीज बताइए, जैसे कि मेरा ड्राइंग एंड पेंटिंग से है तो मेरा क्वालिटेटिव डाटा होगा जहां तक मुझे हाँ, लगता है। ज्यादातर हाँ तो उसके दूसरे वो हैं, दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं। अभी एक मिनट, हम देख करके आपको बताते हैं। उसके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अच्छा उसमें मैम, यूज जैसे ये होते हैं। पेपर में ये प्रश्न आता है हमारे पास में, और हमें ये करना अनिवार्य है कि इसे हमें पब्लिक में रहेगा या अदर में रहेगा मैम, ये प्रश्न क्या आपको जरूरी है क्या? नहीं, अगर क्वेश्चन आता है जरूरी है कि नहीं है, तो आपको वो उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मतलब डीपली स्टडी, मतलब डीपली नहीं देना पड़ेगा मुझे, मतलब ये नहीं, है। डीपली नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तो आपको देना पड़ेगा कि अगर ये MCQ आ रहा है कि सब्जेक्टिव आ रहा है आप लोगों का इस बार। मैडम ये भी कंफर्म नहीं है ना, भी हमारा ये कुछ बातें ऐसी हुई है कि सॉफ्ट मतलब सब्जेक्टिव भी हो सकता है और कुछ कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा हुई हैं इस वजह से। हाँ, तो MCQ अगर होता है तो उसमें तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके लिए वो सही है कि नहीं है। और अगर MCQ नहीं होता तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा दोनों अप्रोचेस के बारे में कि हम क्यों SPSS को इसमें यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि SPSS केवल न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करता है, जिसमें हमारे पास, जिस डेटा में हमारे पास नंबर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को यूज बिल्कुल उन्हीं को एनालाइज करता है SPSS। मैम, तो ये आपको इन शॉर्ट ठीक लिखना है मैम। पड़ेगा उसमें। हाँ मैम यही थोड़ा सा कंफ्यूज था मेरे को, और SSPS की जो क्लासेस चल रही हैं मैम ने बोला था कोई इतना जरूरी नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते, नहीं तो नहीं, हाँ, तो वो मैम आप लोगों इसी के लिए, वजह से और हमने क्लास ले ली। ये जो पोर्शन है आप लोगों का, शायद ये आप लोगों के चॉइस पर होगा कि ये आप लोगों को करना जरूरी नहीं है। मैम म्यूजिक वालों के लिए नहीं है, नहीं सॉरी, हाँ म्यूजिक वालों के लिए भी है, म्यूजिक वालों के लिए मैम डाटा एनालिसिस वाला नहीं है, ये नॉट हाँ एप्लीकेबल फॉर म्यूजिक स्टूडेंट्स, हाँ म्यूजिक हाँ सब्जेक्ट्स वालों के लिए नहीं है डाटा एनालिसिस। आप लोगों के उसमें है नहीं, तो इसके दूसरे सॉफ्टवेयर्स आप लोगों के, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, क्योंकि जी मैम। आपके सब्जेक्ट में SPSS का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जी मैम। इसमें रहेगा मैम, होम साइंस में इसका यूज रहेगा? हमने ये कहा कि सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में यूज नहीं होता, कोई भी हो। जब आपके जी पास न्यूमेरिकल डेटा होगा तब आप SPSS या R यूज करते हो। यस जब भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होगा, क्वालिटेटिव डेटा होगा, जो नंबर्स में होगा, वो सब्जेक्ट के जी अकॉर्डिंगली नहीं होता। वो होम साइंस में भी हो सकता है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी हो सकता है, जिसके पास भी। अब जैसे म्यूजिक में अभी इनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन म्यूजिक में अभी हमारे यहाँ एक रिसर्च चल रही है, उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी और मेंटल हेल्थ को लेकर के डेटा कलेक्शन चल रहा है। वो पूरा काम SPSS पे हो रहा है, क्योंकि उनके पास न्यूमेरिकल डेटा है। तो जो इस डेटा में नंबर्स होंगे आपके पास, वो आप SPSS के थ्रू या R के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जिनमें नंबर्स नहीं है, 2 मिनट होल्ड करिए, हम जरा सो देख के आते हैं कि एक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं।
गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। जैसे जो मेरा सब्जेक्ट है, हम लोग के सब्जेक्ट में ज्यादातर न्यूमेरिकल डेटा ही होता है, तो हम लोग मोस्टली एसपीएसएस ही यूज करते हैं। और कोई क्वेश्चन है तब तक आप उसको उठाइए, दूसरे क्वेश्चन को। मैंने ये सैंपलिंग के बारे में और बताइए मैम। सैंपलिंग के बारे में क्या पूछना है मैम? सैंपलिंग जो है वो न्यूमेरिकल के आधार पर ही तो चल रहा है, कि हम पेंटिंग में किस तरीके से करेंगे पॉपुलेशन एंड सैंपल। सैंपलिंग आपका नंबर्स के आधार पर हो सकता है। सैंपलिंग में तो नंबर आपको चाहिए होगा पेंटिंग में, किसी भी उसमें, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप कोई सैंपल सेलेक्ट करते हो तो उसका एक ना एक नंबर होता है, लेकिन सैंपलिंग के नंबर से एनालिसिस का कोई लेना देना नहीं होता। एनालिसिस का लेना देना होता है आपके ऑब्जर्वेशन से, जो उस सैंपल पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपका उस सैंपल से निकल के आ रहा है, उस सैंपल पे आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, क्वालिटेटिव कर रहे हो कि क्वांटिटेटिव कर रहे हो। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो जो आपका डेटा कलेक्ट होगा वो वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या रिटन फॉर्म में होगा, यही होता है। आमें। तो उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है atlas.ti, ये एक सॉफ्टवेयर है atlas.ti, और दूसरा है atlas.ti, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और दूसरा यूज होता है Novio, Nuivo, ये दो, Nuivo, Nuivo, ये दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा आजकल लोग क्लैन भी कर रहे हैं, कैट भी कर रहे हैं, एलन भी कर रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करते हैं। बिल्कुल, जो आपका ऑडियो वीडियो फॉर्म में या रिटन फॉर्म में होता है उनकी एनालिसिस के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और जहां तक सैंपलिंग का है, सैंपलिंग तो आपको कोई ना कोई नंबर शो करना ही पड़ेगा कि हमने इस ग्रुप से 10 स्टूडेंट्स लिए, उस ग्रुप से 20 स्टूडेंट्स लिए, या इस ग्रुप से 10 लोगों को लिया, इस ग्रुप से 30 लोगों को लिया, ये आपको बताना तो पड़ेगा ही। वो नंबर्स आपके एनालिसिस में एडअप नहीं होते, आपके एनालिसिस में सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन होता है। वो ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकल भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिकल भी। तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है हम सिर्फ उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है जी मैम? और कुछ मैम? रिसर्च कितने प्रकार का होता है मैम? अभी तो मतलब कई किताबों में सब अलग अलग दिया होता है। नहीं नहीं, ब्रॉड टर्म्स में रिसर्च दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो मैम सिर्फ दो ही प्रकार के हुए? मेन दो प्रकार के होते हैं, इनके अंदर इनके सब टाइप्स होते हैं। जैसे हम हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव सब टाइप में आ जाएंगे मैम? जैसे क्वालिटेटिव का डेटा कलेक्शन मेथड्स है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे इसके मेथड्स में आ जाते हैं। ब्रॉड टर्म में दो तरह के रिसर्चेस होते हैं, एक तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हो, दूसरा क्वांटिटेटिव। तो मैम ये हिस्टोरिकल हुआ, डिस्क्रिप्टिव हुआ, ये सब किसमें आएगा? ये आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। जी जी।
क्योंकि मैम फर्स्ट मतलब जब हम लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कितने प्रकार का होता है, तो ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं जी। और मैम वो रिसर्च लिमिटेशंस से बता दीजिए। रिसर्च लिमिटेशंस वो हमने आप लोगों को दिखाया था पूरा, एक मिनट आ गया। देवेंद्र जी आप जरा स्क्रीन शेयरिंग ओपन करेंगे तो हम अपनी स्क्रीन शेयर करके लिमिटेशन सारे दिखा दें आपको। देवेंद्र जी है? हाँ मैम। देवेंद्र जी जरा आप स्क्रीन शेयरिंग ओपन करेंगे तो हम आपको पूरा लिमिटेशन का स्क्रीन शेयर कर देते हैं। मैम इसमें सिर्फ होस्ट ही तो शेयरिंग कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा? नहीं, होस्ट ने डिसेबल कर रखा है, अगर आप उसको डिसेबल हटा देंगे तो हम स्क्रीन अपनी शेयर कर सकते हैं। आपने इसको डिसेबल कर रखा है, आप ओपन फॉर ऑल कर दीजिए, वो उसके से मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। मैम वो सिर्फ सुबह सुबह मैम कहीं कर पाएंगी मैम। ओके, शुभम मैम के पास है जी मैम, वो ही है। तो फिर हम बोल देते हैं कि रिसर्च लिमिटेशंस क्या होते हैं, कहाँ हमारा रिसर्च आकर के रुक जाता है या कहाँ उसमें त्रुटियां आने की संभावना होती है। पहली चीज होती है कि हमारे रिसर्च में क्या होता है। एक तो होता है हमारा साइंटिस्ट या रिसर्चर, दूसरा होता है पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट। ये दो होते हैं जो पूरे हमारे रिसर्च में काम करते हैं, यही दो होते हैं। तो पहला लिमिटेशन जो है वो साइंटिस्ट को या रिसर्चर को लेकर के दिया गया है कि एक साइंटिस्ट पूरे स्टडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है? तो उसकी अपनी जो सोच होती है। पहला पॉइंट है साइंटिस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट इज स्टडीड। साइंटिस्ट उस का भाग होता है जो हम अध्ययन कर रहे हैं। कौन है जी? हेलो जी मैम। अच्छा शुभ मैम का फोन आ गया था, वो कह रही है आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपकी? स्क्रीन दिख रही है आप? यस मैम। यस मैम। पहला लिमिटेशन क्या है? साइंटिस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट इज स्टडीड। जो भी हम अध्ययन करते हैं उसमें साइंटिस्ट जो है या रिसर्चर जो है उस अध्ययन का एक हिस्सा होता है, वो उसमें साथ में जुड़ा होता है। जैसे कि अगर हम साइंस में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो एक साइंटिस्ट को ये पता होता है कि उसको इतने ml ये केमिकल डालना है, इतने ml ये केमिकल डालना है, इतने ml ये केमिकल डालना है, और उससे क्या आउटकम आएगा वो उसको लिखता है। उसी तरह से जब सोशल साइंस में हम रिसर्च करते हैं तो हम जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करते हैं, स्वतंत्र चर का ही अध्ययन हम करते हैं, तो उससे आने वाले जो रिजल्ट होते हैं उस पर हमारे अपने व्यूज का भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कहा जाता है कि कोई एक बात कही उसको लोग कई तरह से समझते हैं, होता है? तो ये जो कई तरह से समझते हैं उसका प्रभाव हमारे अध्ययन पर पड़ता है। ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च में ये प्रॉब्लम होती है कि जो व्यक्ति ने लिखा है या जो व्यक्ति ने कहा है
उसको हम किस फॉर्म में एनालाइज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो मेथोडोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अराइज करने लगते हैं कि व्यक्ति कहना कुछ चाह रहा है लेकिन जो हमारा अपना माइंड सेटअप है हम उस माइंड सेटअप से उसको देखते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक माइंड सेटअप होता है और वो उसी माइंड सेटअप से आगे काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब आप अपना रिसर्च के एम को या ऑब्जेक्टिव्स को बहुत बड़ा बना देते हैं या उनमें कई एक वेरिएबल्स डाल देते हैं तो उनका अध्ययन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उनमें एरर्स या त्रुटियों के आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कोरोना काल में इनकम पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ा। ठीक है, कोरोना काल में पहली चीज तो आपके बीमारी का प्रभाव पड़ा, ठीक है, फिर आपके खर्चों का प्रभाव पड़ा, फिर घर के और लिमिटेशंस का प्रभाव पड़ा। तो ये अगर हम सारी चीजों को एक साथ लेकर के अध्ययन करेंगे तो हमारा जो एम होगा वो काफी ब्रॉड हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। पर अगर हम सिर्फ उसको लिमिटेड कर देंगे कि कोरोना बीमारी का प्रभाव हमारे इनकम पर क्या पड़ा, तो वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा और उससे जो हमारे रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक आएंगे। तो इसलिए जब भी हम कोई रिसर्च प्लान करते हैं तो उसके एम या ऑब्जेक्टिव को थोड़ा नैरो रखते हैं और उनके सारे वेरिएबल्स को वेल डिफाइन करते हैं कि उन सारे वेरिएबल्स का हमें मतलब मालूम हो। ज्यादा से ज्यादा 3-4 वेरिएबल्स लेकर के अगर स्टडी की जाए तो स्टडी का जो रिजल्ट होता है वो ऑथेंटिक होता है। लेकिन अगर उसी स्टडी में हम 8-10 वेरिएबल्स ले लें तो सब एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं और वो रिजल्ट्स ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं होते। फिर आते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स। जैसे कभी कभी हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट या हमारा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो ह्यूमन होता है, इंसान होता है। तो जनरली होता है कि जब हम ये पूछते हैं या कंसर्न लेते हैं कि हम इस तरह का काम करने जा रहे हैं क्या आप इसमें मेरे साथ सहयोग करेंगे, तो इन जनरल लोग मना कर देते हैं, इन जनरल मना कर देते हैं। या कभी कभी ये होता है कि आधा काम करने के बाद वो बोर हो जाते हैं और आधे के बाद बीच में वो छोड़ देते हैं। इस तरह की समस्याएं भी हमारे रिसर्च को लिमिटेड कर देती हैं। जैसे हमने मान लिया किया कि हम 500 सब्जेक्ट के ऊपर ये डेटा कलेक्ट करेंगे और हमारे टेस्ट थोड़े से लंबे हो गए, तो जो हमने एक सैंपल सिलेक्ट किया 500 लोगों का, हो सकता है उसमें से 50-60 लोग बीच में ही छोड़ के चले जाएं। तो उनको दोबारा इनकॉर्पोरेट करना या उन 50 को हटा करके फिर अपने सैंपल को छोटा करके काम हमें करना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ मानव समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन हमेशा मानवों पर होता है, लोगों पर होता है। जनरली आप किसी से ऐसे पूछिए कि हम ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं या ये टेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो ज्यादातर ये कहते हैं कि भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी हम ये नहीं करा पाएंगे। होता है, कभी कोशिश की है? आप लोग बीच बीच में बोलते रहिए या सवाल पूछते रहिए तो हमें लगेगा सब हैं। जी मैम, सब हैं। ठीक है, तो इस तरह की मानव समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर आता है पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज में भी यही ह्यूमन प्रॉब्लम ही होती है। जैसे पहले हमने बताया कि हर आदमी के अपने पर्सनल वैल्यूज होते हैं, उसकी अपनी एक सोच होती है, उसका प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ने लगता है और लोग उन वैल्यूज की वजह से कभी कभी बिल्कुल सही रिस्पांस नहीं देते। जब सही रिस्पांस नहीं देते तो हमें सही रिजल्ट्स नहीं अवेलेबल हो पाते। इसी वजह से ये कहा जाता है कि सैंपल थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। हो सकता है अगर हमने 500 का सैंपल लिया उसमें से 50 भी अगर गलत बोल रहे हैं तो
तो 450 अगर सही बोल रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, मेथड्स कुछ याद है आप लोगों को, डेटा कलेक्शन के मेथड क्या क्या होते हैं? सर्वे, ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। तो ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उनको हम कितने अच्छे ढंग से यूज कर पा रहे हैं। जैसे अगर हमारा शेड्यूल्ड क्वेश्चनार है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, वो तो हम अप्लाई कर लेते हैं इजिली। लेकिन अगर वो हमारा इंटरव्यू मेथड है या ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो उस इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन में हम कितने एक्सपर्ट हैं, इसके ऊपर हमारा डेटा कलेक्शन डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन सही नहीं जा रहा है तो हमारा रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके ऊपर भी हमारा रिसर्च बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है जी मैम। फिर आता है सैंपल साइज, कि हमारा सैंपल कैसा, साइज कैसा है। तो जनरली सैंपल साइज डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सैंपल साइज क्या है, अगर सैंपल साइज बहुत छोटा होता है तो जैसे अभी हमने बताया तो भी रिजल्ट्स हमारे सही नहीं आते। और अगर हम बहुत बड़ा ले लेते हैं कि हमने 2000 3000 का सैंपल साइज ले लिया, तो भी हमें डेटा कलेक्शन करने में डिफिकल्टी आती है और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करने में डिफिकल्टी आती है। ये जो सैंपल साइज होता है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम 10 का सैंपल ले लें या 25 का सैंपल ले लें तो उस पे बेस्ड हम अपना रिसर्च नहीं कर सकते। पर क्वालिटेटिव स्टडीज में हम 50 के सैंपल पर भी काम कर सकते हैं। अब जैसे क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, साइकोलॉजी में क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, तो उनमें अगर आप सैंपल साइज छोटा रखते हो तो भी काम हो जाता है, उसमें सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं लिया जाता। लेकिन अगर वही सैंपल साइज लेकर के हम म्यूजिक का या ड्राइंग एंड पेंटिंग का कोई काम करें कि हम 10 के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लें या 15 के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च कंडक्ट करें, तो वो रिजल्ट्स आपके उतने ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं होते, सही नहीं होते। तो सैंपल साइज हमेशा अपनी प्रॉब्लम देख के उसके अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए, मतलब 50 से नीचे तो कभी आना ही नहीं चाहिए, चाहे आप क्वालिटेटिव रिसर्च में हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च में हो, ठीक है जी मैम। तो सैंपल साइज बहुत मैटर करता है आपके रिसर्च में। फिर आती है टाइम, तो टाइम जो है वो भी हमारे स्टडी को काफी, रिसर्च को काफी लिमिटेड कर देता है। जैसे हमने कोई प्रॉब्लम डिसाइड की या कोई हमने एम लिया रिसर्च करने के लिए, तो हम उसमें एक टाइम अलॉट कर देते हैं कि हम साल में, 1.5 साल में या 2 साल में हम ये पूरा डेटा कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। हम अपनी एक डेडलाइन बना लेते हैं कि इतने दिन में हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे। अगर हम उस टाइम लिमिट में डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते और वो बढ़ता जाता है तो हमारे रिसर्च में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह की आएंगी, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग ह्यूमन स्टडीज करते हैं, इंसानों के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो अगर टाइम हमारा बहुत ज्यादा लंबा खींचता है तो व्यक्ति के व्यवहार में, उसकी सोच में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो ये टाइम का जो फैक्टर है या टाइमिंग ऑफ स्टडी, उसके नीचे दूसरा भी एक पॉइंट है, टाइमिंग ऑफ स्टडी। जैसे कि हम आज के टाइम में कोई अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, आज से
एक साल पहले अगर हम कोरोना के इफेक्ट्स का अध्ययन करते, उसका रिजल्ट, और आज के टाइम में अगर हम कोरोना का आफ्टर इफेक्ट्स का अध्ययन करें तो उसका रिजल्ट, दोनों रिजल्ट्स काफी वेरी करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। उस टाइम पर व्यक्ति ज्यादा डरा हुआ था तो उसके रिस्पॉन्सेस उस हिसाब के होते। आज के टाइम में थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है सिचुएशन, तो उसके रिस्पॉन्सेस थोड़े अलग होंगे। तो ये जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम किस तरह का रिसर्च किस टाइम पर कर रहे हैं, और अगर हम उसी टाइम लिमिट में उसको खत्म कर लेते हैं तब तो हमारे रिजल्ट्स सही आते हैं, नहीं तो रिजल्ट्स हमारे उतने सही नहीं आते। ठीक है, इसके बाद आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास मॉनेटरी बैकअप है या नहीं है। किसी भी स्टडी को करने के लिए, अध्ययन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि हमारे पास कितना सोर्स ऑफ इनकम है या हमारे पास कितने पैसे हैं जिसके थ्रू हम अपना रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमने रिसर्च डिजाइन कर लिया कि हम 5-6 साल में ये काम करेंगे और ऑब्जर्वेशन मेथड से करेंगे, उसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमारे पास उतना मॉनेटरी बैकअप है या नहीं है, इसको भी, या हमने बहुत बड़े ग्रुप पर एक स्टडी कंडक्ट कर ली कि यूपी में ऐसा होता है, बिहार में ऐसा होता है और पंजाब में ऐसा होता है, इसको कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें एक एक बंदा अलॉट करना पड़ता है जो हमारा डेटा कलेक्शन करता है हर स्टेट से अलग अलग, तो उसके लिए भी उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना पड़ता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है वो इतना है कि हम अपना रिसर्च आगे कंडक्ट कर पाए या ना कर पाए। तो जितने जो रिसोर्स हमारे पास होते हैं हम उसी के भीतर अपने एम को या अपनी समस्या को लिमिट कर लें, तब तो हमारा रिसर्च स्मूथली चलता है। पर ये सोचे बिना कि इसमें खर्चा कितना होगा, हम अगर एक बड़ी स्टडी डिजाइन कर लेते हैं तो उसको आगे करने में काफी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके रिसर्च को लिमिट करते हैं। फिर आता है लैक ऑफ प्रीवियस स्टडीज इन द रिसर्च एरिया। कुछ एक स्टडीज ऐसी भी होती हैं जिनमें पहले बहुत कम काम हुआ होता है या कभी कभी काम नहीं भी हुआ होता है। तो जब हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर की कमी होती है तो हमारे रिसर्च को सही दिशा नहीं मिल पाती है, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। ऐसे में भी हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है जी मैम। तो जो भी हम समस्या लें उसमें जो भी हम वेरिएबल्स लें उन वेरिएबल्स पे पहले किस तरह का अध्ययन हो चुका है ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर लास्ट आता है रॉन्ग डिसीजंस। रॉन्ग डिसीजंस जो होते हैं वो ज्यादातर आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में ही होते हैं। और किस तरह से रॉन्ग डिसीजंस होते हैं कि हमने जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली हमने सैंपल नहीं लिया। ठीक है जी, ये हमारा एक गलत डिसीजन होगा। फिर अगर सैंपल हमारा सही है तो जो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर हमने यूज किया वो उस सैंपल के लिए सही नहीं था, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, फिर जो हमने वेरिएबल्स लिए उनको हम ऑपरेशनली डिफाइन नहीं कर पा रहे आगे चल के। तो ये जो सारे हमारे डिसीजंस होते हैं इनको हमें प्रॉब्लम बनाते समय ही उनको डिफाइन कर लेना चाहिए जी। तभी हमारा रिजल्ट वैलिड होता है। जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी उसी पे डिपेंड करती है कि हमने सैंपल साइज क्या लिया, हमने उसको किस मेथड से उसके ऊपर डेटा कलेक्शन किया, फिर उस डेटा कलेक्शन को हमने किस तरह से एनालाइज किया और फिर उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। ये सारा फॉर्मेट हमें अपना प्रॉब्लम डिसाइड करते समय ही एक फॉर्मेट अपना तैयार कर लेना चाहिए जिससे कि हम इस एक समस्या से बच सकें।
ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे रिसर्च को लिमिट करते हैं, इनको थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ता है अपना कोई भी रिसर्च डिजाइन बनाते समय। ठीक जी मैम, अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, समझ में आ गया मैम। और कुछ मैम? एक इन शॉर्ट बता दीजिए मैम, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये दोनों में क्या फर्क होता है मैम? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होती है? मैम जो परिकल्पना, मतलब कोई शोध कार्य करने से पहले हमें, मेरे मन में एक मतलब आता है कि ये परिणाम निकलेंगे इसके। सही है। थोड़ा सा इसमें एक चीज आती है कि ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। टेस्टेबल स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जिसको हम लोग आगे टेस्ट करते हैं जी। जैसे जो हमारी समस्या है, ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया कि हिंदुस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में स्त्रियों पर डोमेस्टिक वायलेंस की स्टडी हमें करनी है, ठीक है जी। उसमें हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हमने दिया, ये स्टेटमेंट को ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है हमारा टेस्टेबल होता है। टेस्टेबल किस तरह से होता है कि बाद में हम इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च डिजाइन करते हैं जी, ठीक है जी। और एक्सपेक्टेड आउटकम हम उसको कहते हैं कि जो हमारा आउटकम निकल के आता है, सिंपली जब हम उसको एनालिसिस प्रोसेस में नहीं लाते, सिर्फ हम देख करके एक स्टेटमेंट देते हैं, जो हमारा ये हाइपोथेसिस हम रिसर्च करने के पहले बनाते हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम हम डेटा कलेक्शन करने के बाद बनाते हैं कि डेटा देखने से हमें ऐसा लगता है कि हायर क्लास से ज्यादा मिडिल क्लास में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम हुआ। हाइपोथेसिस हमारी हुई कि महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है, ठीक है जी मैम। इसको हमने टेस्ट किया और जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, जो हमारे पास डेटा आया, उसको देख करके हमने ये कहा कि मिडिल क्लास महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाई क्लास, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम होगा। तो हाइपोथेसिस क्या होती है कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है जी। दो चरों के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, जिसको कि हम आगे अपने रिसर्च के थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशन या मेथड्स जो भी हम यूज कर रहे हैं के थ्रू हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने ये एक स्टेटमेंट दिया है ये कितना सही है या गलत है, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं जी। ये हमारा हाइपोथेसिस होता है, ठीक है मैम। ये जो टेस्टेबल हाइपोथेसिस कौन सा, नल हाइपोथेसिस को स्टेटमेंट मैम, नल को टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को? देखिए हाइपोथेसिस तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और तीनों ही हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। सबसे अच्छा हाइपोथेसिस नल माना जाता है क्योंकि हम उसमें कोई दिशा नहीं देते। जब हम अपने हाइपोथेसिस में कोई दिशा देते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो उसी दिशा में जाए, उसमें बायसेस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए नल हाइपोथेसिस यूज की जाती है। इसमें हम कोई दिशा नहीं देते जी, ठीक है। जैसे अभी हमने एक हाइपोथेसिस कही कि मिडिल क्लास औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है, ठीक है जी, ये हो गई पॉजिटिव। मिडिल क्लास महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस कम होता है, ये हो गई नेगेटिव जी मैम। महिलाओं में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये हो गई हमारी नल।
तो नल में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता कि वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। बाकी टेस्टेबल तीनों ही होती हैं, तीनों ही तरह के हाइपोथेसिस को हम लोग आगे टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस बनाई जाती है टेस्ट करने के लिए, ठीक है जी मैम। वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है जो समस्या का, जो हमने प्रॉब्लम ली है या जो हमारा पर्पस है उसको एक, उसका एक स्टेटमेंट बना करके हम देते हैं कि ये जो हमारी समस्या है इसका हो सकता है रिजल्ट इस तरह का आए, ठीक है जी मैम। और कुछ मैम? एक क्वेश्चन है मेरा कि एक हम लोग को सिनॉप्सिस में पॉइंट दिया गया है नेशनल एंड इंटरनेशनल रेलेवेंस स्टेटस, मैम इसमें हम क्या लिखेंगे? जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका उसका रेलेवेंस क्या है, आप क्यों स्टडी कर रहे हो, उसको आप आगे कैसे यूज कर सकते हो। रेलेवेंस मीन्स कि आपके अध्ययन का क्या लाभ है, आप जो अध्ययन कर रहे हो वो ऐसे ही कर रहे हो या उससे आगे आप आगे और कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो रेलेवेंस हमेशा जी जो आप अध्ययन कर रहे हो वो किस प्रयोग में आएगा या आगे उसको बढ़ा के हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए या व्यक्ति के लिए हम आगे उससे क्या कर सकते हैं, क्या उसको लाभ दे सकते हैं अपने इस अध्ययन से, वो रेलेवेंस ऑफ द स्टडी होता है। मैम इसमें पॉइंट सोशल जस्टिफिकेशन है। मैम सोशल जस्टिफिकेशन इस सिनॉप्सिस के ही एक पॉइंट में ये भी है। सोशल जस्टिफिकेशन भी सेम चीज है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सोशली कितना एक्सेप्टेबल है, उससे हम समाज को क्या दे पाएंगे। मैम ये तो दोनों सेम ही हो गए, दोनों चीज सेम ही है। एक में रेलेवेंस पूछा है, रेलेवेंस ऑफ द स्टडी, रेलेवेंस में जनरली होता है कि हम उसके फायदे बताते हैं और उससे आगे हम और क्या कर सकते हैं, उस स्टडी को ही लेके हम आगे और कितना बढ़ा सकते हैं, ये एड अप होता है। और जब हम सोशल जस्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम समाज को इस अध्ययन से क्या दे पाएंगे जी मैम, और रेलेवेंस में हम ये बताते हैं कि इस स्टडी से हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं जो फायदेमंद हो या जिसको हम फ्यूचर डायरेक्शन भी कहते हैं, शायद एक पॉइंट उसमें होगा फ्यूचर डायरेक्शन का भी। नहीं मैम, तो ये फ्यूचर डायरेक्शन देता है कि भविष्य में हम और आगे क्या काम कर सकते हैं रेलेवेंस ऑफ द स्टडी में जी। और कुछ? एक क्वेश्चन और था मेरा कि कभी कभी ऐसी भी रिसर्चेस होती है क्या जिनमें हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती है, तो ऐसी रिसर्च को हम क्या कहते हैं? जनरली हाइपोथेसिस बनाई जाती है, और जब हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती है, जब हम हाइपोथेसिस किस तरह की रिसर्च में करते हैं, जब हम थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च का मतलब समझ रहे हो आप लोग? एक एम्पिरिकल रिसर्च होता है जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं सारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करके, एक थ्योरेटिकल रिसर्च होता है जिनमें हम पिछले 10-20 साल के पुराने इतिहास को लेकर के उसमें से कोई एक नई चीज निकालते हैं। तो जब हम थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस नहीं बनती है, उसमें सिंपली आपको लिखते जाना होता है कि इस काल में ये होता था, इस काल में ये होता था, इस समय पर ये होता था, इस समय पर ये होता था, आज ये हो रहा है, तो आने वाले समय में और क्या चेंजेस हो सकते हैं। जब इस तरह का थ्योरेटिकल रिसर्च हम करते हैं तो उसमें हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते जी मैम। श्रुति शुक्ला, शायद आपने कॉल भी किया था हमें एक बार,
जी मैम, मैंने आपको कॉल किया था कुछ पूछने के लिए, लेकिन फिर आप उस समय थे नहीं और जब आपका कॉल आया तो मैंने मिस कर दिया। फिर मैम मैं आपको कॉल करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, मुझे लगा कि आपको कॉल मिस हो गया मुझसे। नहीं कोई नहीं, आप लोग डरा मत करिए, कभी मेरा मिस होता है कभी आपका मिस होता है, हमें मालूम है किन कंडीशंस में मिस होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ाया था तो उसमें उसका जो भी कंटेंट था ना उसे मुझे हिंदी में चाहिए था, तो मैंने आपको इसीलिए मतलब कॉल किया था कि क्या वो कहीं पे हिंदी में मिल जाएगा। हिंदी में हमें देखना पड़ेगा, वैसे जो हमने इंग्लिश में आपको मैटर दिया है आप उसको गूगल ट्रांसलेट में डाल के हिंदी में कर लो। उसमें दिक्कत हो रही है? ओके मैम, थैंक यू मैम, मैं कर लूंगी। जो मैटर हमने दिया है पीपीटी हमने शेयर कर दी थी आभा दीदी के साथ, वो पीपीटी अगर आप गूगल ट्रांसलेट पे डाल दोगे तो पूरा ट्रांसलेशन आ जाएगा उसका। मैम पीपीटी के टेक्स्ट जो है वो कॉपी नहीं होते इसलिए वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, अगर पीडीएफ फॉर्म में भी होता है तो मैम वो कॉपी पेस्ट होके कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो हम ये जरा देख करके आप लोगों को मैसेज कर आपके ग्रुप पे डाल देंगे कि हिंदी में कहाँ मिलेगा। जी जी, क्योंकि हिंदी का कोई कंटेंट है नहीं फिलहाल मेरे पास, अगर नहीं होगा तो हम खुद ही इसको हिंदी में करके उसी ग्रुप पे डाल देंगे। जी मैम, जी जी ठीक है मैम, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मैम। अच्छा, और किसी डाउट था वो थोड़ा सा क्लियर हुए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, हम ग्रुप पे देख करके आपको उसी पर रिस्पांस कर देंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ओके, तो क्लास हो गई आज की। ओके थैंक यू मैम, प्रणाम मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू मैम, अगर कुछ और क्वेरीज आती है तो आप कॉलेज में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉलेज में मिल सकते हैं, लेकिन 1 तारीख से 5 तारीख तक फिलहाल मेरी पीपीएन में साइकोलॉजी की क्लासेस लगी हुई हैं, तो 1 से 5 हम पीपीएन में रहेंगे, 1 से 5 हम कॉलेज में नहीं रहेंगे, 6 तारीख से हम कॉलेज में रहेंगे, आप किसी भी समय कॉलेज में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, 12 तारीख को मेरा उसमें वो पेपर है ना। हाँ हाँ, नहीं तो आप ग्रुप पे क्वेश्चन जो आपका प्री पीएचडी वाला ग्रुप बना हुआ है उसमें हम भी एडेड हैं, आप उस पे क्वेश्चन डाल दीजिए, हम उस पे आपको रिप्लाई कर देंगे। नहीं मैं उस ग्रुप में तुम नहीं डालूंगा, उसमें नहीं डालेंगे। चलिए ठीक है, तो उस पे मेरा नंबर भी है, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ओके ओके, नमस्ते मैम, ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू मैम, ट्राई करिए, कहीं को प्रॉब्लम हो तो हम अवेलेबल हैं 24 आवर्स, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू मैम, ओके बाय, नमस्ते मैम।